अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए डोंडे की रेसिपी लेकर आए हैं। अक्सर यह होता है कि हम वेजिटेबल्स को एक ही तरह से बनाकर बोर हो जाते हैं, कुछ नए अंदाज से खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमने डोंडों को थोड़ा सा स्पाइसी और मसालेदार बनाए हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार डोंडे बनाने के लिए यहाँ हमने 1/2 kg डोंडे ली है, जिसे ऑलरेडी अच्छी तरह से हमने धोकर गोलाई में काट लिया है, और एक मीडियम साइज का आलू लिया है हमने, जिसे छोटा छोटा काट लिया है। तो सबसे पहले हम आलू और डोंडों को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राई करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। आलू डालने के बाद इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि आलू थोड़े से मीठे मीठे से लगते हैं, इसलिए यह ज़रूरी होता है। अब इसे थोड़ा सा चलाते हुए फ्राई करेंगे। आलू थोड़े थोड़े से लाल हो रहे हैं, कुछ देर बाद इसे निकाल लेंगे और कोशिश करें कि आलू फ्राई करने में ही गल जाए। तो आलू हो चुके हैं, अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद डोंडे फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, इसी तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे डोंडों को। डोंडे फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे तेल को अच्छी तरह से निथारते हुए निकाल लेंगे। फिर इसके बाद ऐड करेंगे हम एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। अगर आप ज़्यादा मसालेदार पसंद करते हैं तो प्याज की क्वांटिटी एक और बढ़ा दीजिएगा। प्याज का कलर चेंज होने तक चलाते रहेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/4 teaspoon। फिर इसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 teaspoon। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से भुनेंगे इसे 5 मिनट। अदरक लहसुन के बाद हम डालेंगे इसमें नमक 1 teaspoon। फिर ऐड करेंगे मिर्ची 1.5 teaspoon। मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मिर्ची को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज में। फिर इसके बाद डालेंगे टमाटर एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ। टमाटर को मिक्स करने के बाद फ्लेम लो कर इसे कुछ देर ढककर रख देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। कुछ देर बाद देख लेंगे, देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, और ना गले तो फिर से आप 5 मिनट रख दीजिए और इस तरह से कपगीर की मदद से मैश कर लीजिए। फिर इसके बाद डालेंगे डोंडे जो हमने फ्राई कर रखे थे, साथ ही डाल देंगे आलू। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद फ्लेम लो कर इसे कुछ देर ढककर रख देंगे, ताकि डोंडे और आलू अच्छी तरह से गल जाए। एक 10 मिनट बाद खोलकर देख लेंगे, इस तरह से पलटा लेंगे और चेक कर लेंगे कि डोंडे गले हैं या नहीं। डोंडे गल चुके हैं। अगर ना गले तो एक 5 मिनट और इसे ढककर रख दीजिएगा आप, और कोई वजन चीज़ रख दीजिए, आसानी से गल जाएंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर इसे डिश आउट कर लिया है हमने। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी मसालेदार स्पाइसी डोंडे तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।